हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल छात्रा इलेक्ट्रिकल हब। फ्रेंड देखिए, ये एक सीएनसी प्लाज्मा कटिंग मशीन है। ये देखिए, ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये कूलिंग सिस्टम है। और आप इधर देख सकते हो सीएनसी का जो प्रोग्रामेबल है, इधर से आप सॉफ्टवेयर डाल के इधर ये बेड में इधर से काट सकते हो सीएनसी प्रोग्रामिंग करके। और जो आप मतलब डिजाइन डालोगे उससे काट सकते हो। ये इसका टॉर्च है, ये वाटर कूलिंग टॉर्च है। अब इधर देख सकते हो ये कंप्रेसर लगा है, इसे कंप्रेसर लगा है। फ्रेंड इस मशीन में जो प्रॉब्लम है आप देख सकते हो, इधर डिस्प्ले में आ रहा है, डिस्प्ले में रेडी है, करंट वैरी हो रहा है, पावर ऑन है, वाटर प्रेशर वो भी सही है, ठीक है फ्रेंड। बट ये देखिए 2T और 4T में काटिंग होता है। ये आर्क फोर्स है, सॉरी आर्क टेस्ट है, ये काटिंग है, टेस्टिंग है। ये कूलिंग सॉल्यूशन है, टॉर्च को जो कूलिंग करने के लिए इसके अंदर, मैं समझ लीजिए छोटा एग्जांपल के लिए आप लोग को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप लोग गाड़ी में रेडिएटर देखते हो, सब रेडिएटर के तरह ही है, इसमें कूलेंट भी डाला हुआ रहता है। इसमें एक पंपिंग टेक्नोलॉजी लगा होता है, एक लिक्विड को इस मशीन के थ्रू इधर से शुरू इस साइड से लिक्विड को पंप करता है, टॉर्च में जाता है, उधर टॉर्च में जाता है, टॉर्च के हीट एक्सचेंज होता है, उसके बाद इधर से आता है, फिर इधर भी उस हीट को एक्सचेंज करके कूलिंग डाउन करते हैं। साइकिल में प्रोसेस होता है। आप देख सकते हो ये अगर कुछ किसी इलेक्ट्रोड को फायर करने के लिए इग्निशन होना चाहिए, तो ये इग्निशन के लिए लाइन गया है, ये इधर से ये टॉर्च में गया है, ठीक है ना फ्रेंड। इसके अंदर एयर भी है और पूरा मतलब पॉजिटिव लाइन पूरा सर्किट बना है, इसको भी दिखाएंगे बाद में। तो इस जगह में ओके है फ्रेंड। फ्रेंड अब इधर देखिए, ये जो कंट्रोल सिस्टम, इसका ऑक्सिलरी सप्लाई देखिए, एसी 220 वोल्ट है, ये कंट्रोल है, ये प्लाज्मा है, ये मोड ऑन ऑफ का है। फ्रेंड देखिए, मैं इसको अभी ऑन कर रहा हूँ, इसका देखिए रेड इंडिकेशन जल गया। फ्रेंड देखिए, इसमें आ गया पावर, बट ये डिस्प्ले में कुछ नहीं आया है। इसका जो प्रॉब्लम है ये डिस्प्ले में है, ये डिस्प्ले को आप लोग अभी रिपेयर करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए पूरा, देखिए कैसे क्या रिपेयर होता है, और ये प्रोसेस भी दिखाऊंगा ये मशीन में कैसे यूज होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। एलंकी खोल लेता हूँ, एलंकी टाइप का लगा है, इधर इमरजेंसी क्यों मारा था? मारा था क्या? हाँ, मारा हुआ था क्या? हाँ, एक मिनट जाओ, मैं देख लेता हूँ। इमरजेंसी रिलीज कर दिया, डिस्प्ले नहीं आया, छोड़ दीजिए। इधर से पावर बंद करना पड़ेगा, मैं बंद कर दिया था। नीचे है, नीचे। हाँ, आप लोग देख सकते हो, मैं स्क्रू ओपन कर दिया, अभी डिस्प्ले को बाहर HMI को लेके आ रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, इस जगह में कुछ चेक नहीं करना है। आप लोग देख सकते हो, ये इस जगह में 24 वोल्ट का दिख रहा है ना, दिखाइए अच्छी तरह से। हाँ हाँ, इधर देखिए 24 वोल्ट का सप्लाई है, ठीक है फ्रेंड। तो इसको चेक करना है और कुछ नहीं है। तब इसको ऐसे करके भी खोल सकते हो, ये मूवेबल होता है, नहीं तो आप मल्टीमीटर की हेल्प से इधर से मेजर कर सकते हो। तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीमीटर की हेल्प से इधर से मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। मल्टीमीटर ले जाते हैं। हाँ, मल्टीमीटर लेके आइए। उधर पावर ऑन करके आइए, या आप इधर देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये दोनों, ये दोनों, ये नहीं खोलने की जरूरत नहीं। ये देखिए ना,
ये येलो कलर ये नेगेटिव मतलब बॉडी इक्विपमेंट अर्थिंग है और उसके बाद ये रेड पॉजिटिव है ये नेगेटिव आप चेक कर लीजिए वोल्टेज देखेंगे ना। हाँ 24 वोल्ट सिलेक्शन में रखिए। डिस्प्ले देखे आया ना आपने, इधर स्विच ऑन कीजिए छोड़ दीजिए। कितना वोल्टेज दिखा रहा है? 24 वोल्ट दिख रहा है। 24 वोल्ट दिखा रहा है? हाँ देखिए फ्रेंड 24 वोल्ट दिखा रहा है, उसका मतलब इसका डिस्प्ले में इशू है। अभी ये कंट्रोलर में देखेंगे कंट्रोलर में क्या दिक्कत है वो सारा चेक कर। इधर आप चेक कीजिए ना, एक नेगेटिव लगा है ना एक GND R5। इधर देखिए मैं प्रोब को उल्टा पकड़ रहा हूँ, कितना दिखा रहा है? 0.5। फ्रेंड अगर ये इसका अंदर सब सही रहता तो ये 5 वोल्ट आता, उसका मतलब इसका अंदर प्रॉब्लम है। अब इसको ओपन करते हैं, उससे पहले इसका सप्लाई बंद कर दीजिए सर, ये बंद करने से चलेगा। फोर हेड टाइप का स्क्रू चाहिए लेवर। इसको ओपन कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सही बोल दिए। ये सब आप देख सकते हो, ये तीनों लगा है, पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्टर लगा है, ये 24 वोल्ट का SMPS सप्लाई है। ये सब लोकल में मिल जाता है फ्रेंड, ये सारे अगर ये नहीं भी मिलेगा ना आप लोकल से लेके लगा सकते हो। ये कंपनी से अगर नहीं मिल रहा है ये भी आपको लोकल में मिल जाएगा। फिर आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड, देखिए इसको ओपन कर रहा हूँ, इसको ओपन हो जाएगा ना? हाँ स्क्रू खोल दिया। अब एक काम कीजिए, ये नहीं आएगा बाहर इससे पहले, रुकिए इसको कैमरा को देखिए, इसको खोलना ही पड़ेगा नहीं तो नहीं आएगा। स्क्रू नाट है कि नाट है आपके पास? स्क्रू डाइवर चाहिए, ये दोनों को खोलना पड़ेगा। इस साइड में दो है, लाइन टेस्टर है ना? लाइन टेस्टर है, ये सब खोलना पड़ेगा, नहीं खोलने से नहीं होगा। अब ये सब खोल के निकालना पड़ेगा। C1 को ओपन कर दिया, ये ऑक्सिलरी सप्लाई जो है 24 वोल्ट को ओपन कर दिया, फिर इसको ओपन कर दिया, फिर इसको भी ओपन कर दिया। फिर इस टाइप का में कोई दिक्कत नहीं, तीनों अलग अलग है तक मिक्स होने का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं इसको ओपन कर लिया, अभी इससे टेबल तो नहीं है फिलहाल, साइड में आया हूँ, इसका ऊपर लेके काम शुरू कर रहा हूँ। इसको ओपन करेंगे, इसको टाइम टेस्टर की मदद से ये थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा। देखिए इस ओपन हो गया फ्रेंड, ये देख सकते हो आप लोग, दिखाओ फ्रेंड को, ये इसके अंदर फ्रेंड पानी घुस गया, ये सारे सिस्टम डैमेज हो गया फ्रेंड। देखिए ये डैमेज हो गया। ठीक है, तो इसको इधर ये देखिए पानी आ रहा है अभी, इसको इधर रिपेयर नहीं कर पाएंगे, इसको हमको लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद रिपेयर हो पाएगा। तो पार्टी से बात करेंगे, फिर ले जाएंगे, कैसे रिपेयर हो रहा है क्या हो रहा है दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देख लीजिए इसके अंदर दो सर्वो टाइप का मोटर लगा होता है, एक ये है हॉरिजॉन्टल इस साइड मूवमेंट के लिए लगा है, और ये इस साइड आगे पीछे होने के लिए लगा है। ACNC में जब प्रोग्राम डाला रहता है उसके बेसिस में इसका सर्वो मोटर है, उसका पोजीशन एडजस्ट करके चलाता है फ्रेंड। जब ये रिपेयर हो जाएगा, मैं भी खुद इसको मतलब ये ऑपरेशन नहीं करता हूँ, जब ये रिपेयर कर दूँगा तो ऑपरेशन का कैसे ऑपरेशन होता है, कैसे सब इसके अंदर प्रोग्राम इंसर्ट होता है वो आप लोगों को दे दूँगा। मेरे वीडियो में बने रहिएगा चैनल के साथ, और जो एक सर्कल में दोस्त भी है इसका प्रोग्राम बनाता है कटिंग का, प्लेट में कैसे डिज़ाइन होता है, उसका भी आपको वीडियो अपलोड कर दूँगा पूरा सारे इन डिटेल, ऐसे इस टाइप का CNC मशीन का
वीडियो रहेगा। अगर आप लोग ऐसे मशीन भी ख़रीदना चाहते हो तो अगर इस ऑल स्टार कंपनी का है तो उसका सर्विस का बंदा हमारे साथ जुड़ा है, उसका नंबर भी आप मेरे से ले सकते हो, ठीक है ना फ्रेंड। तो आज के लिए इतना तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।